हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ़ोन में डायल पैड को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। आप इस पर, अगर आपके फ़ोन में ऑफ हो तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है ये ऑप्शन, तो आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन, आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको शो कॉन्टेक्ट फोटोज़ पे ऑन कर लेना है। तो फिर इस तरीके से आपको ये दोनों ऑप्शन ऑन करने के बाद में बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड पे, साउंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मीडियम वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंगटोन नोटिफिकेशन, इस तरीके से आपको अलार्म वॉल्यूम, बहुत सारे साउंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर फोन को यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज कर लेंगे। उसके बाद में आपको एडवांस पे क्लिक करके नीचे बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे आपको, फिंगर साउंड, डायल पैड साउंड, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, इस तरीके से आपको टच साउंड। तो यहाँ पर आपको साउंड जैसे ऑन करना है तो आपको यहाँ पर सारे साउंड ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको सिम कार्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, एयरटेल सिम पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कॉल वेटिंग करेंगे। तो आपको कॉल फॉरवर्ड करना है तो आपको कॉल फॉरवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड करेंगे। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से रेडिंग रेडिंग करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ से कॉल फॉरवर्ड कर लेना है। यहाँ से हमें बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड सेटिंग। तो यहाँ पर हमने इस पर फ्यूचर पे क्लिक करके यहाँ पर हमें एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग कर सकते हैं। तो हमारी कॉल वेटिंग ऑफ है तो यहाँ से हम इसको ऑन भी करेंगे। तो यहाँ से हमें बैक होना है। बैक होने के बाद में चलो आपको दिखा देते हैं कि आपके फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन, इस तरीके से आपको कॉल वेटिंग ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ से अपने फ़ोन में ब्लॉक कॉल ब्लॉक कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। अगर आप अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में जो आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर है उसकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप अपने फ़ोन में अनोन नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको इसको ऑन कर देना है, तो आपके फ़ोन में जो अनोन नंबर है उसकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी। अगर किसी पर्सन नंबर या एड नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो एड नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपको अपना नंबर ट्राई कर लेना है, जिस नंबर की आपको कॉल ब्लॉक करना है वो नंबर ट्राई करने के बाद में ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लॉक कर देना है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे। यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको ऑप्शन ऑन कर देना है। कॉल टाइम रिमेंट, इस तरीके से आपको ऑप्शन ऑन करने के बाद में यहाँ से बैक होना है। तो फिर इस तरीके से आप अपने फोन में कॉल सेटिंग करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।